आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित दंतेवाड़ा जिले के खूबसूरत गांव गोटपाल में लेके चलेंगे मड़ाई मेला दिखाने। मड़ाई मेला या ककसाड़, ककसाड़ यात्रा या पूजा अर्चना, मतलब जनजातियों द्वारा की जाने वाली देवी देवताओं की आराधना। देव को प्रसन्न करने के लिए रात भर नृत्य एवं गायन किया जाता है। नृत्य प्रदान के रूप में मनाया जाता है मादर, ढोल, नगाड़ा, तुड़बुड़ी, मोहरी आदि लोक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य प्रस्तुत की जाती है। कोया मुरिया जनजाति के ककसाड़ मादरी और गेड़ी नृत्य अपनी गीतात्मक एवं कलात्मक के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पर्व को मनाने के लिए कई गांव के ग्रामीण अपनी आस्था को रखकर अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ दूर दूर से पैदल चलकर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही ट्राइबल लोकल मार्केट कल्चर को और बहुत सारे ऐसे अन्य चीज़ें हम दिखाते हैं। और ये जो मेला है छत्तीसगढ़ राज्य के एक अनोखा मेला में से एक है, इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। देखो इधर है पांच तो ठाम ढूंढू मिकड़ी मु कर रहा, इधर जाके देखते हैं सनसेट हो रहा है। इस ककसाड़ नृत्य में संगीत और घुंघरू की मधुर ध्वनि काफी लोगों को मनमोहित कर देती है। इनकी धुन सुन के लोगों के पांव थिरकने लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। कमर पे हाथ रख के एक दूसरे का साथ निभाते हुए काफी मनमोहित होकर सभी नाच रहे हैं। इस नृत्य के समय युवक धोती एवं रंगीन कपड़े पहनते हैं। ऐसा नृत्य भारत के आपके कई कोने में शायद ही देखने को मिले। अपने कमर पर पीतल एवं अन्य आभूषण पहनकर ये नृत्य लोग करते हैं और ये देख सकते हैं ढोल बाजा के साथ कितने लोग मधुर ध्वनि का आनंद ले रहे हैं।
मेला में सम्मिलित होकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने देवी से, अपने देवताओं से, अपने कल्चर को वे साथ लेके चलते हैं और हमेशा लेके चलेंगे। ये जो करसाण है, अलग अलग गांव में अलग अलग समय अंतराल में मनाया जाता है। इस संबंध में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आप बस्तर से हैं, दंतेवाड़ा, गीदम, गोडपाल, कटकल्याण, बारसूर, बास्तानार, कोड़ेनार, जगदलपुर, कांकेर एवं अन्य जगह रायपुर, रायगढ़, महासमुंद एवं अन्य राज्य से हैं, तो कमेंट तो आपको करना ही करना है। और साथ ही साथ ही वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाल कलर के बटन दिख रही होगी, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले घंटे के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम इसी तरीके से ट्राइबल एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, उनके कल्चर को दिखाते हैं, उनके जीवन शैली को दिखाते हैं, उनके दुख दर्द को दिखाते हैं, उन्हें क्या तकलीफ होती है, वे कैसे जीते हैं। आदिवासी परंपरा को हम एक्सप्लोर करने में काफ़ी मेहनत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य राज्य से देख रहे हैं तो एक बार बस्तर के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा और हमें अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।